सामने हनुमान जी विराजमान हैं, तो पहला गीत भी के चरणों में दे रही हूँ। बहुत आसान, बहुत छोटा सा, और धुन भी ऐसी जो बच्चा बच्चा इस धुन को जानता है। हमारे सम्मानित चचा आदरणीय श्री लालचंद दीक्षित जी के लिए पहला गीत मेरी तरफ से। जवाबी शुरू। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या, के तुम ही मेरे जीवन हो, और बड़ी चर्चित फिल्म है करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये मेरा सौभाग्य है कि सामने हनुमान जी विराजमान हैं और बिल्कुल पीछे भगवान राम का दरबार लगा है। पहला गीत दे रही हूँ चचा के लिए और निवेदन कर रही हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, चचा भी सुन ही रहे हैं, सुनेंगे। अब फिल्मी गीत कह रहा है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मेरे गीत में भी यही बंधन है, लेकिन जरा देखिए कैसा बंधन है। कैसा? मधुकर का जैसे सुमन से आराम कर लो। सुनिएगा दादा, मधुकर का जैसे सुमन से, जैसे फूल का भवरे से, मधुकर का जैसे सुमन से, प्रेमास्त्र का प्रेमी जन से, मधुकर का जैसे सुमन से, प्रेमास्त्र का प्रेमी जन से, असुमन का जैसे नयन से, असुवन का जैसे नयन से, और माता का जैसे ललन से, के माता का जैसे ललन से, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, इस बंधन का Hey!
बंधन है, लेकिन जरा देखिए हनुमान जी के बंधन कहाँ कहाँ मिले। कहा एक बार ब्रह्मास्त्र चलाया खल ने जब हनुमान के ऊपर, तो ब्रह्मास्त्र में बंद कर हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया। लेकिन जरा देखिए हनुमान जी कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं। कैसा? एक बार जिस समय मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उस ब्रह्मास्त्र के लिए हनुमान जी ने किया गया ब्रह्मास्त्र चलाया खल ने जब हनुमान के ऊपर, तो बंध कर के उस बंधन में वो आए नभ से भूमर। हनुमान जी ने सोचा कि ये खल जो मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चला रहा है, ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। तो हनुमान जी उसी बंधन में बंध गए और ब्रह्मास्त्र का मान बढ़ाया, बंधन में खुद को बंधाया। जबकि चाहते तो उस बंधन में नहीं बंधते, लेकिन ब्रह्मास्त्र का मान रख रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र का मान बढ़ाया और बंधन में खुद को बंधाया, ना बांध सके कोई जिनको, ना बांध सके कोई जिनको, वो बंधन में बंध आया। हनुमान जी को कौन बांध सकता है? किसी में इतनी हिम्मत, किसी में ताकत नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को उसमें बंधा लिया। ना बांध सके कोई जिनको, वो बंधन में बंध आया। तो ये बंधन कौन सा है? ये बंधन तो ज्ञान का बंधन है, क्योंकि हनुमान जी को लोग कहते ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी प्रवीण है। अपने ज्ञान का बंधन चला दिया उन्होंने। ये बंधन तो ज्ञान का बंधन है, इस बंधन का अभिनंदन सुनिएगा। पहला बंधन ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी ने अपने आप को उस बंधन में बंधवा लिया। लेकिन अब दूसरी बार नहीं, सुनिए अब दूसरी बार कौन सा अस्त्र चल रहा है? राजा सुरथ ने रण में अपना बल दिखलाया। अब की बार राजा सुरथ ने ब्रह्मास्त्र फेंका, लेकिन हनुमान जी अब नहीं बंधे। अब उन्होंने क्या किया? राजा सुरथ ने रण में जब अपना बल दिखलाया, तो ब्रह्मास्त्र निकल गए कपि, तो उनमें रामास्त्र चलाया। उस ब्रह्मास्त्र को निगल गए। राजा सुरथ ने सोचा अब क्या किया जाए, तो राजा सुरथ ने रामास्त्र चला दिया। जब चला दिया तो ये ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है उनके लिए, ये है रामास्त्र। तो हनुमान जी ने सोचा ये राम बाण अति प्यारा, जिसने खल तल संहारा, ये राम बाण अति प्यारा, जिसने खल तल संहारा, करके रामास्त्र का बंधन कपि बंधे स्वयं के द्वारा। अब ये दूसरा बंधन उससे भी बड़ा है। ये बात, अब ब्रह्मास्त्र को निगल लिया और रामास्त्र में बंध गए, क्योंकि वो राम के नाम का अस्त्र है। कथा को सुनते रहिए। तो अब ये कौन सा बंधन है हनुमान के लिए? कौन सा? करके रामास्त्र का बंधन कपि बंधे
रहे स्वयं के द्वारा तो ये बंधन दो भक्ति का बंधन है इस बंधन का और तीसरा बंधन देखिए एक तरफ ब्रह्मास्त्र चल रहा है एक तरफ रामास्त्र चल रहा है ये बात जब वही यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया उन छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ लिया तो अब यहाँ देखिए एक युद्ध फिर शुरू हो गया और उस युद्ध में कौन सा बंधन है कौन सा श्री राम की सारी सेना क्या बात है वही घोड़ा जब लवकुश ने पकड़ लिया तो राम जी की पूरी सेना लड़ने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों से आई श्री राम की सारी जब लव कुश से है हारी वो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हारे है बारी बारी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भी हार गए ये भी हार गए पूरी सेना भी हार गई तब हनुमान बीच में आए राम की तरफ से लड़ने के लिए हनुमान बीच में आए तो वो बालक बल दिखलाए उन बालकों ने हनुमान को छका लिया हनुमान बीच में आए वो बालक बल दिखलाए उन बालकों ने भी एक अस्त्र चलाया तो वरुणास्त्र में बांध के उनको आश्रम में है पहुंच जाए उन बच्चों ने हनुमान को वरुणास्त्र में बांध दिया और हनुमान जी खुशी खुशी उसमें बंध गए हनुमान चाहते तो उस बंधन को भी तोड़ देते लेकिन हनुमान जी जान गए कि ये कौन है ये बालक मेरे प्रभु राम के ही हैं तो इस बंधन में कौन से बंधन में बंध रहे हैं वरुणास्त्र में बांध के उनको आश्रम में बालक लाए तो हनुमान जी कहने लगे कि ये बंधन तो मैं अपनी तरफ से की बहुत बहुत धन्यवाद है आप ये बंधन तो बढ़िया गीत गाई है
एक बार मैं आपकी पंक्तियां पढ़ दूं। मधुकर का जैसे सुमन से प्रेम का प्रेमी जन से असुमन का जैसे नयन से माता का अपने ललन से ये बंधन तो प्रेम का बंधन है। बढ़िया गीत जवाब सुनिएगा आदरणीय क्रांति माला। भैया राहुल भैया मेरा सौभाग्य है कि मैं जिनका आवाहन मंच पर करता हूं उनके सुपुत्र मेरे अनुज श्री आदित्य किशन राहुल भैया क्रांति माला जी के साथ आज लेखन कार्य कर रहे हैं। क्या बात। मैं चाहता हूं कि दादा तो सुन ही रहे हैं, आदित्य भैया आप सुने। बंधन क्या है? क्या बात। आदरणीय सक्सेना जी, लेखक का जो लेखन से लेखक का ज्यों लेखन से जय जय लेखक का ज्यों लेखन से भक्तों का जैसे भजन से पाठक का ज्यों ग्रंथन से तमाम लोग बैठे हैं। ये बात शायद आपको लग जाए अच्छी कि यहां दो काम कर रहे हैं। लेखक का ज्यों लेखन से पाठक का ज्यों ग्रंथन से भक्तों का जैसे भजन से और दर्शक का ज्यों दर्शन से। क्या बात। चलो ये बंधन तो प्रेम का नहीं है, ये बंधन तो भाव का बंधन है। क्या बात है, क्या बात है, भाव का क्या बात। बिना भाव के लेखक लिख नहीं सकता, बिना भाव के दर्शक देख नहीं सकता, बिना भाव के पाठक पढ़ नहीं सकता। लेखक का ज्यों लेखन से भक्तों का जैसे भजन से पाठक का ज्यों पाठन से और दर्शक का ज्यों दर्शन से ये बंधन तो भाव का बंधन है। तो बंधन आदरणीय क्रांति माला जी, आपके बहुत मजबूत गीत का जवाब देने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं।
हनुमान जी भक्त भी हैं, इनका भजन से संबंध है, पाठक भी हैं, पठन से संबंध है, दर्शक भी हैं, दर्शन से संबंध है, और लेखक भी हैं, इनका लेखन से भी संबंध है। सिया खोज को पहुंचे लंका, मस्तक समान रूप कब धरी, लग कहीं चले सुमिर न धरी, सिया खोज को पहुंचे लंका, चाकर युक्ति लगाए, तरु अशोक के नीचे बैठी माँ के दर्शन हो गए, लंका जला डाली और लौट कर फिर पहुंच आया। अगर जाने की बात करें, माँ आज्ञा दीजिए, तो माता ने एक ऐसी बात कही थी, हे हनुमान, एक मास की अवधि लगे अगर प्रभु नहीं आए, एक मास की अवधि लगे यदि यहां प्रभु नहीं आए, यहां प्रभु नहीं आए तो ये संदेश सुना देना, सीता को न जिंदा माँ के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़ कहने लगे, हे माँ अधीर मत होइएगा, विश्वास रखो हे मैया, विश्वास रखो हे मैया, यहाँ आएंगे रघुरैया, लेकिन लेकिन बात सुन कि ले जाने में सक्षम है, यहाँ से रावण से छीन कर ले जाने में सक्षम है, हे मान तेरा ये छैया, लेकिन ले नहीं जा सकता, क्यों क्यों अभी मात में जाऊं लवाई, लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, और ये बंधन को वचन का बंधन है, अगर केवल इतना कह दिया होता राम ने कि ले आना, तो ये बंधन को वचन का बंधन है, तो बंधन वंदन है। एक वंदन और देखिएगा,
आदरणीय क्रांति माला जी, आपने युग त्रेता युग की बात कर दी, वंदन तो आज भी बंधा हुआ है बजरंगबली जी। राम कथा कलयुग में बंधन। हाँ, वो कभी अनाड़ी बनकर, वो कभी अनाड़ी बनके, तो कभी खिलाड़ी बनके, वो कभी अनाड़ी बनके और कभी खिलाड़ी बनके, कभी रोगी बनकर आते और कभी भिखारी बनके। इन आते जरूर है, क्यों? क्यों इस बंधन से बंधे हैं? किस बंधन से? किस बंधन से? कि बंधन को ये भक्ति का बंधन है, ये बंधन तो भक्ति का बंधन।